अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह गुरु एजुकेशनल चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एमसीक्यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है वेव मोशन एंड साउंड। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले एमसीक्यूज है हमारे पास, अ स्प्रिंग मास सिस्टम इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द टाइम पीरियड टी। इफ यू डबल द मास ऑफ द बॉब द न्यू टाइम पीरियड विल बी। तो देखें, स्प्रिंग मास सिस्टम और टाइम पीरियड में जो आपके पास रिलेशन होता है वो है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम। ठीक है, अब अगर हम मास को डबल करेंगे तो वहां पे आप लिख देंगे 2m, सही है। तो अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या आएगी, 1.414। आप अंडर रूट 2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 1.414। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि टाइम पीरियड पे कितना फर्क पड़ेगा, 1.414t। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन। तो आपको ये बताना है कि जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है सिंपल पेंडुलम की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास ऑफ द बॉब पे, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे, या फिर नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो हम बोलेंगे कि वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन रो। एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट इट्स। हमें ये बताना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, मेन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट एनी पॉइंट, और नन ऑफ। हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शन है मेन पोजीशन, वो इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर होगा मेन पोजीशन। इफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज रिप्लेस विद अनदर बॉब ऑफ अ डबल मास। एक बॉब है सिंपल पेंडुलम का जिसको हमने रिप्लेस कर दिया डबल मास वाले बॉब से, बट साइज को हमने सेम ही रखा, मतलब फॉर एग्जाम्पल डायमीटर उसका सेम था, तो उसका टाइम पीरियड कैसा होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन क्या है, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स द सेम, बिकम इनफाइनाइट। तो देखिए, टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का है ना, वो कभी भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि साइज या लेंथ ऑफ द पेंडुलम के ऊपर डिपेंड करता है। साइज तो सेम है यहाँ पे, इसका मतलब टाइम पीरियड भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। नंबर 5, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इज। अच्छा, सेकंड पेंडुलम का मतलब होता है ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1/2 कर देंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/ टाइम पीरियड, तो 1/2, तो ये आ जाएगा 0.5 हर्ट्ज। ठीक है बेटा, दिस इज द कंप्रेशनल वेव। चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कंप्रेशनल वेव कौन सी है, लाइट, साउंड, रेडियो एंड ट्रांसवर्स। तो हम बोलेंगे जो साउंड वेव है वो कंप्रेशनल वेव कहलाती है हमारे पास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नॉन पैरेलल टू ईच अदर, नन ऑफ। हमें ये बताना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ऑसिलेट करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मतलब जो बनती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन की वजह से बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो किस तरह ऑसिलेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, या किसी भी डायरेक्शन में। तो हम यहाँ बोलेंगे कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्पेस इज। तो देखें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे ना वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछी जा रही है स्पेस के अंदर। अब ऑप्शन सारे ऐसे हैं जो बगैर आपको दिखे भी लग रहे हैं कि यार एयर के अंदर जब हम बात करते हैं द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तो कभी 332, कभी 330, कभी 344, ये वैल्यूज हम लिख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है 0। तो हम यहाँ पे, क्योंकि स्पेस की बात हो रही है और साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे स्पेस है तो स्पेस में इसकी वेलोसिटी होगी 0। इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड्स इन 50 हर्ट्ज। ठीक है, आपके पास एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी जा रही है इसकी, आपने दोनों एंड से जो है एक स्ट्रिंग को फिक्स करके रखा है, और उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन रही है ना वो 50 हर्ट्ज है। अब आपको फोर्थ हार्मोनिक की बता रही है, तो इसका फॉर्मूला होता है F4 इज इक्वल टू 4F1। तो आप क्या करेंगे, 4 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 200 हर्ट्ज। अच्छा, ये अगर थर्ड हार्मोनिक आ जाएगा तो हम लिख देंगे 3F1, फिफ्थ हार्मोनिक आ जाएगा तो हम 5F1 लिख देंगे, इस तरह ये आंसर निकल सकता है। द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, डेसीबेल, वेबर, डायोप्टर। तो इसका आंसर है आपके पास वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज थे जो हमने यहाँ सॉल्व किए।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।